जानी तो क्या हाल है। तो आज से कुछ दिन पहले मैं गया था अपने लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मुझे करना है फैशन, क्योंकि हर तरफ है फैशन का जलवा। और वहाँ मैंने क्या देखा, एक लड़की है 4 साल की और वो भी टिकटॉक पे टिकटॉक फूकी जा रही है, लेकिन मोबाइल उस बच्ची के हाथ में पूरा भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो टिकटॉक को स्क्रॉल करके अपना सर उधर उधर हिलाई जा रही है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर इस टिकटॉक की एक दुनिया है और इस दुनिया का नाम इंसान है, तो इस इंसान को कब्ज है, जहाँ हर छोटू मोटू चुन्नू मुन्नू टिकटॉक पे टिकटॉक बनाई जा रहा है भैनचोद। तो आ जाओ यार, आज देखते हैं हम इनमें से किसी टिकटॉकर का टैलेंट। जब बंदा हूँ डॉक्टर तो वो कहता है मेरी औलाद भी डॉक्टर बनेगी, लेकिन जब ऐसे माँ बाप चूतिया हो तो वो कहते हैं हमारे बच्चे भी ऐसे ही चूतिया बनेंगे। लेकिन यहाँ पे तो केस ही उल्टा है, बेटे भी बाप को देखे जा रही है कि आखिर इतनी ऐसी शक्ल बना कैसे लिए, इसको कटेटों का कैंसर हो गया है। लेकिन यहाँ पे मसला सिर्फ एक का नहीं है, यहाँ पे तो पूरा खानदान का खानदान ही चूतिया है। नहीं, तुम लोग सोचो जिसके माँ बाप ही ऐसे होंगे वो बच्चे कैसे हो टिकटॉकर बनेंगे। बहन चोद देखो इनको, यहाँ पे जो बाप है वो लाल गांड वाले बंदर की तरह छलांगे मार रहे हैं, और अम्मा भी उसकी काम नहीं है, वो भी बहन चोद वो जोगी वाली सपनी बनी हुई है, सांप बनने का शौक है इसको। लेकिन जिंदगी दरअसल मजे तो ले ही यही रहे हैं ना बहन चोद, हम तो बस गांड ही मरा रहे हैं, लेकिन यार क्या लग रहे हैं, आए हाय हाय नजर ना लगे तुम्हें भोसड़ी वाली। ये कैसा ठुमका है बहन चोद, मैंने सोचा जाऊंगा टिकटॉक खोलूंगा और अपना ही लाऊंगा, मेरा क्योंकि खड़ा हो गया था, लेकिन बहन चोद ऐसी गांड देखने के बाद तो मेरा अंदर घुस गया है, और लगता है कि 3-4 दिन तक बाहर नहीं निकलेगा। लाल गांड वाले बंदर की तरह छलांगे मारने वाले बाप और बेटी के अलावा मैंने सोचा होगा चलो कोई नहीं, इसकी एक तो माँ होगी यार, वो भी तो अच्छी होगी, लेकिन बहन चोद ये मैंने क्या देख लिया। रुको यार रुको जरा, आंटी मैंने तुमसे सवाल पूछना है, तुम लोगों ने गधों की तरह जबान निकाल के ऊपर जंप करके डायन की तरह जमीन पर क्यों गिरना है, क्यों जमीन को फाड़ना है यार, क्यों तुमने जमीन पर जल्दी लाना है। अगला एपिसोड। और अब तुम सबको मैं मिलाने वाला हूं एक मोस्ट फेमस कपल से, जिसने टिकटॉक की भी गांड मार रखी है। ये कौन सा डांस है, लेकिन यार हम सब की भी ख्वाहिश होगी यार, हमारी बीवी है शादी होगी उसको रात दिन पेलेंगे, लेकिन यार भैन चोद ये किसकी ख्वाहिश थी, ये बीवी है उसके साथ भैन टेढ़े लन की तरह डांस करने, कभी इधर कभी उधर। ये एक ऐसा टेढ़ा लाना जिसको बचपन से शाहरुख खान बनने का शौक था, लेकिन भैन चोद शक्ल इसकी पुछवारे वाले, अगर यही वीडियो इसकी शाहरुख खान देख ले तो भैन चोद वो ऐसी फिल्में बनाना ही बंद कर दे, और इस पे पुछवारे वाले की गांड पे 2 लात मारे अलग से। ये एक ऐसा उड़ता हुआ लाना जो हर वक्त शाहरुख खान की ही लेता रहता है, तो यार अगर ऐसा पठान हो तो महफिल तो कैसे की टट्टी भी रुक जाए। और इस कपल के सिर्फ एक या दो वीडियोस ही नहीं है, बल्कि इन लोगों ने टिकटॉक की ऐसे ले रखी है, इतनी वीडियोस बना रखी है कि इन पे एक पूरी फिल्म बन सकती है, जिसका नाम होगा उड़ता हुआ लंड। हाँ तो यार आज के लिए इतना ही, अगर तुम लोग को आया वीडियो पसंद को लाइक मारो, और नए हो तो सब्सक्राइब मारो यार, सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, कम से कम यार 500 सब्सक्राइब मेरे करवा दो, 500 तो बनते ही हैं यार, 500 कराओ, और मैं तुम लोग को मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई पापी चूलो वीडियो के साथ। ओका बाय। अच्छा मुझे किसी ने कहा किंसा कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? नहीं प्यार तो नहीं हुआ, जब भी मैं किसी लड़के को देखती ना तो मेरी आंखें ना ऐसे खुद ही चिपकने लग जाती है, मैं कहती हूँ किंसा कंट्रोल नहीं। अरे यार।